केंद्र की बीजेपी सरकार का ध्यान सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकार को अस्थिर करने पर लगा रहता है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। विपक्ष की तरफ से सरकार पर ऐसे आरोप लगते रहते हैं और अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तो किस मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी, इन दो मुद्दों पर फोकस कर रही है। हालांकि सरकार विपक्ष और जनता दोनों का ही ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस अपने पथ पर अग्रसर है और बीजेपी पर भारी पड़ रही है। कांग्रेस की तरफ से महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है, जिसने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। देश के मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से खोले गए इस मोर्चे के बीच अब महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, साल 2021 में बेरोजगारी की वजह से देश में 11,724 लोगों ने आत्महत्या की। साल 2020 की तुलना में ये संख्या 26% ज्यादा है। भाजपा सरकार में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी युवाओं को हताश कर रही है, लेकिन सरकार के पास ना तो इस भयंकर बेरोजगारी का कोई इलाज है और ना कोई जवाब। सरकार कब तक जुमले बांटेगी? प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के साथ ही एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें मोदी सरकार के दौरान किस कदर लोग रोजगार पाने के लिए भटक रहे हैं, उसे दर्शाया गया है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रियंका ने किसी मुद्दे पर सरकार को घेरा हो। इससे पहले भी प्रियंका ने हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार की खामियों को उजागर किया है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस तो बार बार मुद्दा उठा रही है, पर सरकार इस पर कब कोई बड़ा कदम उठाती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।